हाँ तो बच्चों आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे, कौन सी? भालू और मदारी। कौन सी कहानी पढ़ेंगे? भालू और मदारी। मदारी, ठीक है। अभी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? और फिर मैं उसमें से क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे, फिर पूछूंगी मैं, ठीक है? तो कहानी का नाम है भालू और मदारी। इसका मतलब कहानी में एक क्या होगा? भालू, एज यू कैन सी, ये क्या है? भालू और मदारी, ठीक है? अपनी अपनी बुक्स में देखो, उंगली रख के, भालू कहाँ पर है? हाँ, और मदारी, मदारी भी है कि नहीं? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मदारी के पास एक भालू था। मदारी के पास क्या था? मदारी के पास क्या था? ठीक है। मदारी गाता था, भालू नाचता था, मगर कोई देखने नहीं आता था। मदारी जो था वो गाना गाता था और उस पर भालू नाचता था, ठीक है, मगर कोई भी देखने नहीं आता था। फिर क्या हुआ? अब भालू ने भी गाना सीख लिया। अब क्या किया भालू ने? हाँ, वेरी गुड, गाना सीख लिया। भालू गाना गाता था, मदारी नाचता था। अब क्या होने लगा? भालू गाना गाने लगा और मदारी नाचने लगा। अब उल्टा होने लगा, ठीक है। मदारी का नाच देखने बहुत से लोग आने लगे, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये बताओ इस कहानी में कौन कौन था? भालू और मदारी। वेरी गुड। पहले मदारी गाता था और भालू नाचता था, तब कोई देखने आता था? नहीं। अच्छा, उसके बाद अब भालू गाना गाने लगा और मदारी था वो नाचने लगा, तो अब सब लोग देखने आने लगे कि नहीं? आने लगे। ये कहानी आप सबको अच्छी लगी? ठीक है, वेरी गुड। समझ में आई सबको? yes.